subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो टाटा नैनो में आपको बताऊंगा किस तरह जगह पे हमें सीएनजी फिट करना होता है, किस जगह पे नहीं, और किस जगह पे इसकी सीएनजी की सिस्टम होती है, किस जगह पे हमें इसे फिट करना होता है। तो चलिए पढ़ते वीडियो स्टार्ट करते। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें वाल वगैरह फिट किया है, जो गैस वाल होता है, फिलिंग वाल, यहाँ पे हमने फिट किया हुआ है। ओके, सारा का सारा प्रोसेस यहीं दिया हुआ है, जो फिलिंग वाल वगैरह। चलिए अंदर की ओर बढ़ते ड्राइवर साइड सीट की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखिए राइट साइड जो डैशबोर्ड है वहाँ पे बिल्कुल एसी वेंट के नीचे हमने यहाँ पे सीएनजी स्विच फिट किया है। देखिए यहाँ पे क्या कम्प्लीटली, जब राइट साइड पे हम बैठे होते हैं तभी कम्प्लीटली हमें दिखाई देता है हमारी स्विच में कितनी गैस है, कितनी नहीं, कितना ब्लिंकिंग हो रहा है लाइट वगैरह। चलिए पीछे की ओर जाते हैं और आपको बता तो टैंक कहाँ पे हमने लगाया है। तो देखिए यहाँ पे हमने टैंक फिट किया हुआ है इस जगह पे। टाटा नैनो का जो पीछे का जो डिक्की का हिस्सा है, यहाँ पे हम टैंक फिट कर सकते हैं। यहाँ पे वाल वगैरह सारा का सारा प्रोसेस यहाँ फिट कर सकते हैं हम। जो टैंक होता है यहाँ पे फिट कर दीजिए अगर आपका, तो कम्प्लीटली बैठेगा और कम्प्लीटली जगह भी उसको मिलेगा। अब आपको वेपोराइजर की पोजीशन मिल जाता है, तो हमें कहाँ इंस्टॉल करना है वेपोराइजर। ओके, और हमने कहाँ पे किया हुआ है, देखिए ये जगह पे हमने वेपोराइजर इंस्टॉल किया है, ये जगह पे। यहाँ पे क्या हमें जगह भी मिल जाता है, कुछ सेटिंग वगैरह करना हो तो यहाँ जगह भी मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, ताकि हमारा जब स्विच काम ना करे तो हमारे मीटर में पता चले कि कितना गैस है। हमारी जो टाटा नैनो की रियर सीट होती है वो निकालना होता है, रियर सीट निकालोगे तभी नीचे की ओर दिखेगा आपको वेपोराइजर और जो मीटर होता है वो कितना प्रेशर है कितना नहीं है, अगर वो चेक करना है तो हमें पीछे की रियर सीट निकालनी होगी। फ्रंट साइड जो बोनट होता है उसके अंदर हमने वाल का सारा प्रोसेस हमने किया है। चलिए अब मैं आपको कार स्टार्ट करके बताता हूँ सीएनजी भी किस तरह से स्टार्ट होती है, किस तरह से नहीं। तो आप देख सकते हो सीएनजी लगने के बाद भी स्टार्ट करके आपको बिताया, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो पिकअप वगैरह कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप सीएनजी फिट करवा सकते हो, कम्प्लीटली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा सीएनजी की कौन सी चीज़ कहाँ पे इंस्टॉल होती है। ओके, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमें पेट्रोल पे जब हमारी कार चलती है तो सीएनजी पे किस तरह से करना होता है। हल्का सा हमें यहाँ से पुश कर देना है चालू कार में और रेस करना है, जैसे ही हमारी कार रेस होगी ऐसे ही ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा, जो पेट्रोल का ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा और सीएनजी का ब्लिंकिंग ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप पेट्रोल पे सीएनजी कर सकते हो टाटा नैनो को, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती, जिस तरह से पेट्रोल पे चलती है उस तरह से सेम टू सेम आपको रिजल्ट भी मिलेगा सीएनजी में, और अच्छा खासा पेट्रोल से माइलेज भी अच्छा खासा मिलेगा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.